एंड शाबान में जो मंथ ऑफ शाबान है, देर आर सो मेनी मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग दैट. सो इनशाला विद द दुआ विद स्टार्ट नहमदुहू नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. व्हेन द मंथ ऑफ शाबान कम्स, इट्स लाइक नेक्स्ट मंथ रमदान शुरू होने वाला है. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी? ही यूज़ टू फास्ट सो मच आफ्टर द मंथ ऑफ रमदान. रमदान के बाद जो ज़्यादातर आप रोज़े रखते थे वो थे शाबान के महीने में, एंड वो आपकी सुन्नत थी. और ये हदीस में भी मेंशन किया जाता है. फर्स्ट आई एम जस्ट मेंशनिंग दिस थिंग एंड देयर आर सो मेनी मिसकंसेप्शन. आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट वी शुडंट डू दैट. सो द रियल सुन्ना रिगार्डिंग शाबान इज, यू नो, सिंसियरली ट्रूली अल्लाह सुभान अल्लाह ताला की प्रेज़ करना है, गुड डीड्स करना थ्रू आउट द ईयर करते, लेकिन वही जो डीड है पसंदीदा है जो आप मुसलसल करें. एंड वी थ्रू आउट द ईयर वी आर डूइंग द नमाज, कुरान एंड आस्किंग फॉर गिवनेस. सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑथेंटिक नरेशन है, आयशा रदियल्लाहु अन्हा से फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा जो रोज़ा रखते थे एंटायर मंथ ऑफ रमदान के अलावा, वो था शाबान का महीना. ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है. एंड देन यू हैव द हैबिट ऑफ डूइंग मैंडेटरी फास्टिंग. उसके बाद जो आपके छुटे हुए रोज़े हैं, तो वॉट यू वुड डू, छुटे हुए रोज़े जो मंडे और थर्सडे रख के आप 15th शाबान तक यू कुड कम्प्लीट दैट, जो भी लास्ट ईयर के जो छुटे हुए रोज़े थे, या अय्या में भी 13, 14 and 15. बट डोंट थिंक के 15 का रोज़ा रखने से फॉरगिवनेस हो जाएगा, कोई शॉर्टकट है. देर इज़ नो सच थिंग दैट वे. सो वी वुड सी द क्या क्या इसमें मिसकंसेप्शंस है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दीज आर ऑल रेड फ्लैग्स डियर सिस्टर्स, ये चीज़ें नहीं करना है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या मिसकंसेप्शन है, अक्सरियत, और ये एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है. और ये क्यों होता, ये मिसकंसेप्शन क्यों हुआ, जब मंथ ऑफ शाबान आता बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते, सेलिब्रेशन होते, लाइट्स लगाते घरों पे, और 15th ऑफ शाबान को बहुत मुबारक समझते और उसके लिए हलवा पूरी तैयार करते और ग्रेवयार्ड्स, कब्रिस्तान जाने की तैयारी करते, शबीनास कहते. और यहाँ पर US या कैनेडा में इसको शब्बेदारी कहते, एंड द होल नाइट दे विल बी अवेक. तो शैतान क्या करता, जब देखते कि कोई इंसान राइचियस अमल कर रहा, तो उसको डिविएट कर देता, वो डाल देता बिदतों में. और बिदतों में डाल दिए तो क्या है, वो गुमराही है, इंसान फिर वो बिदतों से नहीं निकलता. तो दिस इज़ लाइक अ कल्चरली, हलवा पूरी बनाना थ्रू आउट द ईयर, यू कैन मेक इट एंड यू कैन हैव इट, रिस्क है इसमें, कोई मनाही नहीं है. बट रिलीजन इज़ डिफरेंट, शरीयत अलग है, और जो एक इंसान का कल्चर है वो अलग है. कल्चरली आप एक सर्टेन वे में बात करते, कल्चरली आप सर्टेन वे में तैयार होते, इवन द वे यू कैरी योरसेल्फ, ओके. बट व्हाट शरीयत सेज, क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते, नहीं. तो ये मैं बता रही थी. तो उसमें अगर हम बैक अगर जाके भी हम गौर करें कि ये सारे चीज़ें जो कर रहे, क्या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे एवर, नहीं. क्या सहाबा इकराम करें, नहीं. और ग्रेवयार्ड जाने का प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रेकमेंड करते थे, शुड गो टू द ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि मौत की याद दिलाती. और ये जो शबीनास है, शब्बेदारी है, और लोग बाज़ब्ता एशियन कंट्रीज़ में अरेंज किया जाता कि अच्छा बहुत सारे लोग मिल के दे वुड गो टू द कब्रिस्तान. दिस इज़ नॉट इट, ओके. यू कैन गो टू कब्रिस्तान एनी टाइम. आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस. वुमेन के लिए एक्सेप्शन है, वेरी रेयर, बट इट वॉज नॉट अप्रिशिएटेड दो, ठीक है, इजाज़त दी गई, बट इट्स नॉट के एवरी टाइम आप कब्रिस्तान जा रहे हैं. सो जो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला एक दीन के बारे में तालीमात दिए, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दीन अच्छी तरह सिखा के गए, राइट फ्राम, यू नो, वेन वी वेक अप टिल वी गो टू द स्लीप, everything, even when we go to the washroom, वो भी सिखाए. तो misconception number वन क्या है, ये night of 15th of शाबान को समझना कि ये exclusive है और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना है, क़ियाम करना है, और ये single out कर लेना. तो क्या हम शरीयत अपने हिसाब से कर सकते,
तो जब ये पूछा गया शेख इब्ने बिन बाज से, तो वो फरमाते हैं कि अगर आप एक रात को सिंगल आउट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि एक कोई हदीस है जो मौजू है, मौजू मतलब फैब्रिकेटेड या दईफ मतलब वीक, उसके कोई बेसिस नहीं है और कोई स्पेशल नहीं है, उस रात को क्या करते हैं लोग, पूरी रात जागते, रेसिटेशन ऑफ द कुरान करते, कॉन्ग्रीगेशन नमाजें पढ़ते, तो लोग कुछ लोग उसका उजर देते कि अच्छी बात है ना, एटलीस्ट नमाज तो पढ़ रहे, कुरान तो पढ़ रहे, बट व्हाट इज़ द निया? इन्नमा आमालु बिन्नियत, फर्स्ट हदीत क्या है, एवरी चैप्टर आप ले लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सारे सही बुखारी पढ़े हुए हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग, एंड वी हैव गॉन थ्रू मेनी हदीत, सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट, मेनी सिस्टर्स दोज हु आर लिसनिंग राइट नाउ दे नो मोर, बट यू नो दे आर हेजिटेंट टू से दैट, लेकिन हेजिटेंट नहीं होना है जब आपको सही हक की बात करना है, डोंट बी हेजिटेंट दैट टाइम, जो बात कहना है बताना है कि नहीं। तो ये क्या है, 15th ऑफ शाबान की ये वीक ओपिनियन है, मौदू हदीस है, फैब्रिकेटेड है, कोई इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं बताई गई, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा रिकमेंड नहीं किए, और जो हदीसें नरेट किए जाते हैं वो इनकरेक्ट है। द सेकेंड मिसकंसेप्शन, यू नो द पीपल वुड ऑफर स्पेशल प्रेयर्स, वो क्या कहते हैं कि फला इतने रकात पढ़ लो, 12 रकात या 10 रकात विद द खुल के सूरे से पढ़ो, तो ये सारे भी इनोवेशन है, ये शरीयत में क्या हम कोई चेंज कर सकते, नहीं कर सकते, तो इसका कोई एविडेंस है, नहीं है। और थर्ड मिसकंसेप्शन क्या है कि अल्लाह सुभान अल्लाह ताला फर्स्ट हेवन पे डिसेंड होते, हर रात क्या तहज्जुद के टाइम अल्लाह सुभान अल्लाह ताला हर रात कहते कि है कोई मैं जिसको फर्गिव करूँ, है कोई मांगो मैं देने वाला हूँ, अल्लाह इज ऑलवेज लाइक यू नो एवरी डे। तो साल में कितने दिन रहते, 365, तो हर दिन अल्लाह सुभान अल्लाह ताला आपको देने के लिए तैयार है। मेनी टाइम्स इट हैपेंस के आपको कोई चीज़ मांगना रहता तो यू स्टार्टेड वेकनिंग अप इन द तहज्जुद, बट कोई मांगना नहीं मांगना, मांगना तो है, हम तो स्लेव है, हम तो फ़कीर है, क्योंकि हमको चाहिए अल्लाह से फॉरगिवनेस चाहिए और रहमत चाहिए, ये चीज़ कहीं मिल सकती, एवरीथिंग वी वॉन्ट टू एस्क अल्लाह सुभान अल्लाह ताला, ऑफकोर्स टाई द कैमल तो करना है। तो थर्ड मिसकंसेप्शन क्या है, समझना कि अच्छा फर्स्ट लेवल पे हेवन के जो नाइट ऑफ 15th है उसको सिंगल आउट कर लेना और समझना कि अब ये हम इस रात जागना है, ये बहुत सुपीरियर है, ब्लेस्ड है, और जब हम इसमें मांगेंगे तो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला अदा करने वाला है। देर इज़ अ नरेशन ऑफ द हदीत, एवरी नाइट अल्लाह विल आस्क, इज़ देर एनी वन आई कैन फॉरगिव, इज़ देर एनी वन यू कैन आस्क, आई विल गिव यू, सो अल्लाह इज़ देयर टू गिव यू, बट वी आर नॉट आस्किंग, वाई वी आर आस्किंग ऑन द 15th ऑफ द नाइट, इज देर एनी ऑथेंटिक नरेशन रिगार्डिंग दैट, देर इज़ नो ऑथेंटिक नरेशन, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं। फिर चौथी बात जो है, फोर्थ मिसकंसेप्शन, और इतना कॉमन है, इवन दो अगेन एंड अगेन वी हैव बीन डूइंग दिस एवरी ईयर, एंड आई रिमेंबर लाइक फ्रॉम द टाइम आई रियलाइज द थिंग्स, एवरी टाइम दिस इज़ द थिंग आई लर्न इट, यू नो मे बी यू गाइज ऑल्सो लर्न द सेम थिंग, कि ये चीज़ें गलत है, गलत है, गलत है। तो गलत क्या है कि रात में लोग इंतज़ार करते अच्छे से तैयार होके, खाने वाने बना के, और समझते कि इस रात को रिस्क मिलने वाला है, प्रोविजन जो बोलते, और लाइफ स्पैन की उम्र कितने होने वाली है, एंड ऑल्सो तकदीर, तकदीर पे भी ईमान लाते ना, और तकदीर का फैसला होना, इज़ इट सो, डू वी हैव एनी ऑथेंटिक नरेशन रिगार्डिंग दैट? तो नहीं। सम पीपल थिंक कि ये ब्लेस नाइट है, लैलतुल मुबारकन, क्यों उसका हवाला क्या देते हैं, सूरतुल दुखान का हवाला देता है, सूरह नंबर 44 आया नंबर 3, जो कि ये बात नहीं है 15 शाबान के बारे में। अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला जो लाइफ स्पैन है, उम्र में बढ़ाई देना है, या रिस्क में देना है, प्रोविजन के बारे में, या हमारी तकदीर जो फेट बताते, ये इसके लिए नहीं है। और लोग क्या करते, इसके लिए 6 रकात नमाज पढ़ते और उसमें 2-2 रकात करके, दिस इज़ ऑल्सो फैब्रिकेशन, आई एम नॉट प्रोपोगेटिंग दिस, ओके, आई एम सेइंग दिस इज़ इनकरेक्ट, ओके। तो ये इनकरेक्ट है,
और ब्लेस्ड नाइट क्या है, सूरह दुखान में ये जो बात बताई जा रही है, लैलतुल कदर में बताई जा रही है कि लैलतुल कदर में क्या होता, वो ब्लेस्ड नाइट की बात हो रही, और लैलतुल कदर में फरिश्ते उतरते, एंड दैट आल्सो आई एम गोइंग टू क्लियर दैट। तो रमदान में लास्ट जो 10 नाइट्स है उसमें वन वन ऑफ द ऑड नाइट जिसमें एंजल्स डिसेंड होते हैं, और इतने ज़्यादा जैसे कि पेबल्स है, जितने ज़्यादा पत्थर है उतने ज़्यादा यू वुड नॉट एबल टू सी। तो ये जो बात बताई जा रही है तकदीर के बारे में और हमारी जो लाइफ स्पैन के बारे में और रिस्क के बारे में, एंड पीपल वुड डू सो मेनी मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग दैट, तो वो चीज़ें नहीं करना है। और आयत का मफहूम सही समझना है, उसको समझने के लिए क्या है, इसीलिए क्यों कुरान के तफसीर के कोर्सेस क्यों करते, क्या आप ऐसे ही बगैर कोई कोर्स करे, बगैर वर्ड मीनिंग जाने, बगैर ग्रामेटिकली कोई चीज़ समझे, क्या आप खुद से कुरान पढ़ के समझ सकते? ठीक है अगर रनिंग ट्रांसलेशन की बात है वो है, लेकिन कुरान पढ़ने और समझने के लिए आपको एक प्रॉपर एक स्कूल ज्वाइन करिए, अच्छे से उसको सीखिए। ये नहीं कि लैलतुल कदर और सोच रहे लैलतुल मुबारकन ये सूरह दुखान की आयत है एंड दिस मीन्स 15th ऑफ शाबन। हाउ कैन वी डिसाइड दैट? रिफ़र टू द ऑथेंटिक तफासिर, और आदत हैबिट बनाइए सुनने से ज़्यादा यू शुड रीड द यू नो तफासिर, यू वुड गेन द नॉलेज। अगर कोई नहीं भी सुनेंगे एटलीस्ट आप अपने दिल में लेके जाएंगे, यही तो ट्रेजर लेके जाना है हमको आखिरत में, यही चीज़ हमको काम आने वाली है। तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस, द फोर्थ मिसकंसेप्शन क्या है, अगेन आई एम गोनो यू नो रिव्यू दिस थिंग बिकॉज वी वॉन्ट टू क्लियर दिस थिंग। This is the thing, like this सूरह दुखान की आयत का मतलब नहीं है, जो सूरह कदर है उसमें जो बताई जा रही है लैलतुल कदर की बात, वो 10 nights है रमज़ान के, it could be any night, and Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम knew that which was the night and he would come out and he was about to say that के वो कौन सी रात थी लैलतुल कदर, लेकिन लोग कुछ झगड़ा कर रहे थे and he forgot, और वो भूल गए, और बस इतना ही बताया कि लास्ट जो 10 nights है इट कुड बी द ऑड नाइट। ओके, इट कैन बी 21, 21st, 23rd, 25th, 27th एंड 29th, बट पीपल क्या करते वहाँ पर भी रमदान में भी 27th night, और इतना ज़्यादा इसको कॉमनली प्रोपोगेट करते हैं कि इवन मसाजिद में भी 27th के दिन ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि मस्जिद में भी क्या है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अगर कोई सही अकीदे मनहज पे है तो फिर उसके पीछे बातें होती, क्योंकि सही अकीदे पे आजकल चलना इज़ अ बिग थिंग यू नो, एंड डोंट लुक एट द क्वांटिटी मत देखो, इतने लोग हैं ये सही होंगे, उतने कम लोग हैं गलत होंगे। तो आगे वो भी बात आ रही है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा इतने सारे लोग कर रहे हैं 15th के दिन रोज़ा रख रहे जाग रहे और इतने सारे बुक्स छपे हुए हैं प्रिंट करे हुए हैं, क्या वो गलत हो सकते हैं? यस गलत है वो, अगर उसमें कोई नंबर है तो हम कॉल करके उनको बोल सकते कि भाई माफ़ी मांग लीजिए, ये बुक्स के बारे में कर लिख दीजिए कि ये गलत है, ऐसे बुक्स पढ़ना भी नहीं है, श्रेड कर दीजिए वैसे बुक्स को जो गलत है, मनघड़क बातें हैं, ज़ईफ बातें हैं। एंड द फिफ्थ थिंग यू नो फास्टिंग जो करते, आई एम टॉकिंग अबाउट वॉलेंट्री फास्टिंग, जो नफील फास्टिंग है, मंडे थर्सडे आपकी आदत है, गो फॉर इट, आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उतनी ताकत दिया, क्योंकि फास्टिंग इज़ नॉट अ ईजी थिंग, दो स्पेशली एट द यंग एज यू हैव टू हैव द परमिशन विद योर हस्बैंड, हस्बैंड टू द वाइफ, वाइफ टू द हस्बैंड, एंड लाइक पीपल व्हेन दे ग्रो ओल्ड दे हैव द हेल्थ इश्यूज, सो यू नो यू वुड वॉन्ट टू फास्ट बट दे आर सो मैनी कंस्ट्रेंट्स। तो मंडे और थर्सडे आप फास्टिंग करते तो इट्स रियली गुड, और ये क्या है वॉलेंट्री फास्ट है, बिकॉज डीड्स आर प्रेजेंटेड ऑन मंडे एंड थर्सडे, एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि वो रोज़े से रहे और हम भी वो सुन्नत को फॉलो करते हैं। एंड द सेम थिंग अबाउट अय्याम बीद 13, 14 एंड 15, जो चांद की रातें हैं, जो सफ़ेद रातें, तो उसमें आप फास्ट करें। अगेन यू नो सिस्टर्स, अगर वो रातें एंड यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट कि ये 15th ऑफ शाबान है मुझे ये फास्ट करना है, अल्लाह नोज योर इंटेंशन, अगेन यू आर गोइंग फॉर द फैब्रिकेशन, अगेन यू आर गोइंग यू आर थिंकिंग कि अच्छा मेरे पेरेंट्स क्या गलत हो सकते हैं? यस ऑफ कोर्स हो सकते गलत,
शरीयत और इसका कोई लेना देना नहीं है. वी हैव सीन इन द कुरान देर वॉज अ वर्डिक्ट रिगार्डिंग अ पर्सन, और वो वर्डिक्ट लेने के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम, एंड दाऊद अलैहिस्सलाम हैज़ गिवन प्रेफरेंस टू सुलेमान अलैहिस्सलाम. सुलेमान अलैहिस्सलाम तो उनके बेटे थे. तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा पेरेंट राइट है और उनके जो चिल्ड्रेन है वो रॉन्ग है. नो, इट्स नॉट सो. सही नॉलेज होना और उस पे अमल करना वो इम्पॉर्टेंट है. एक टीचर कोई भी एज का हो सकता, उसका मर्तबा बड़ा रहेगा बिकॉज ऑफ द नॉलेज. डजेंट मैटर व्हाट एज दे आर. तो लर्न करने के लिए बहुत जान मारना पड़ता, बहुत समझना पड़ता और एक्सेप्टेंस होना चाहिए. हाँ, मेरे पेरेंट्स गलत कर सकते एंड ये इनकरेक्ट बात हो सकती, एंड व्हाट यू वुड डू, यू वुड इम्प्लीमेंट द राइट थिंग. तो 15 का अगर आप फिर भी मंडे थर्सडे का रोज़ा आ रहा और सोच रहे हैं कि 15 का हम रख लेंगे, अल्लाह नोज़ योर इंटेंशन. अल्लाह ताला सीनों के भेद भी जानने वाला है. सिक्स्थ वाली चीज़ क्या है, समझते कि इस रात को रूहें उतरती हैं क्योंकि उस तरह से उनकी थिंकिंग है. एंड दिस इज़ फ्रॉम द हिंदुइज़म, लिटरली दिस इज़ अ हिंदुइज़म. यू नो, लोग तैयार होके बैठते हैं. आप समझिए कि कोई विडो है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल बिकॉज दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन कल्चरली. आई एम नॉट सेइंग टू एनीवन, दिस इज़ कल्चरली. अगर कोई विडो है तो वो समझते कि उनके हस्बैंड आएंगे और विजिट करेंगे. देखिए, बरज़ख़ एक ओट आ गई. जो जिंदा है, जो मर गए, उनके कोई कम्युनिकेशन का नहीं है जरिया व्हाटसोएवर. दैट्स अ डिविएशन. तो औरतें तैयार होके बैठते हैं एंड सम ऑफ देम दे वुड ड्रेस अप सो नाइसली एज इफ यू नो लाइक यू नो ब्राइड. एंड दैट्स इनकरेक्ट. तो और खाने वाने भी तैयार रखते और समझते रूह उतरेंगी और वो हलवा पूरी एंड व्हाट नॉट. यू नो, दे वुड क्लीन द होल हाउस और समझते लाइट्स भी ऑन करके रखते. दिस इज़ ऑल इनकरेक्ट, डियर सिस्टर्स. अगेन आई से दिस इज़ इनकरेक्ट. तो समझते कि रूहें उतरेंगे और फिर उसके बाद व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कौन खाते वो खाना? क्या वो लोग फेंक देते? नहीं, वो खाना खुद बैठ के खाते और बोलते कि रूहें उतरेंगे. एक्चुअली ये है क्या, हिंदूज क्या करते जब किसी की डेथ हो जाती, दे वुड डू दैट. एंड एशिया कंट्री में हिंदुइज्म इतना ज़्यादा कल्चरली अडॉप्ट करते. बट यू नो, व्हेन यू हैव हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर, वी नो व्हाट मुस्लिम वुड प्रैक्टिस, व्हाट हिंदू. इट डजेंट मैटर दो, क्योंकि वो बचपन से देखते तो आपको मालूम है कि नहीं, हम मुसलमान हैं, हम ये नहीं करते. तो वो हमारे माइंड में होना चाहिए. इट्स नॉट जस्ट हिंदुइज्म. आई वॉज जस्ट लुकिंग अबाउट दिस, यू नो, हाउ द थिंग्स वे आर गोइंग ऑन, के रूहें आते विजिट करते. इवन जूस में भी है चीज़. और लोग समझते कि हम अपने प्यारों को बहुत मोहब्बत करते, इज़न्ट इट, और हम चाहते कि उनसे कोई कम्युनिकेशन हो. हो सकता. कैन यू बिलीव दैट पीपल थिंक कि नहीं, उनके साथ कम्युनिकेशन हो सकता, ये करो तो वो करो. नहीं, उनके लिए सिर्फ दुआ करिए. और फिर लोग ये भी सोचते कि हमारे ख्वाब में आ जाएंगे फलां टाइम. वो शैतान मर्दूद आपको डिविएट करता. ख्वाब सच्चे हो सकते. ख्वाब में एक हो सकता कि अल्लाह बेहतर जाने, अच्छा ख्वाब आए तो उनके लिए दुआ करिए, अगर बुरा ख्वाब आए तो चैरिटी करिए, उनके लिए लॉट ऑफ दुआ करिए. बट दिस इज़ नॉट इट, यू नो. तो ये समझना कि फैमिली आके विजिट कर रही और इसके लिए व्हाट वुड यू कॉल, यू नो, दे वुड रिसाइट द कुरान. लोगों को हायर करते और कहते कि तुम पूरा कुरान फिनिश करो. एंड यू वुड सी द पीपल इतनी तेज़ी से कुरान पढ़ते हैं कि आपको कुछ समझ में भी नहीं आता. एंड दिस इज़ द थिंग्स गोइंग ऑन. इट्स स्टिल गोइंग ऑन. इट्स नॉट के, क्योंकि ये शॉर्टकट में मज़ा आता ना, शैतान एक डाल देता दिमाग में. और सेवेंथ मिसकंसेप्शन क्या है, ग्रेवयार्ड को जाना. लोग समझते कि 15 को कैसा भी हम ग्रेवयार्ड को जाना है, विजिट करना है, ये एक मोहब्बत का इजहार है. दैट्स इनकरेक्ट. और आयशा रदी अल्लाह अन्हा के से नरेट किया गया है कि ऐसा सिंगल आउट नहीं करते थे. ये ऑथेंटिक नरेशन नहीं है. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड गो टू द ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान जाते थे, लेकिन 15th ऑफ शाबान को सिंगल आउट करके करते थे? नो, देयर इज नो सच थिंग.
और फिर समझना कि अब ये सारे चीज़ें अपने माइंड में रख के सोच लेना कि ये फर्गिवनेस मिल जाएगा और ये वाले हदीसें, दीज आर ऑल वीक नरेशन, देर इज़ नॉट अ सिंगल नरेशन विच इज़ ऑथेंटिक। तो उसमें हम ऐसे नहीं करना है। और लोग कर रहे हैं। अब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी कंट्री में बाज़ाबता शबे मेराज और शबे बारात उसकी छुट्टी भी दी जाती। तो अब उन लोग ये दलील लाते, देखो छुट्टी भी है तो क्या इतने लोग गलत हो सकते? हाँ, हो सकते गलत। एक टाइम था लोगों के पास उतनी नॉलेज नहीं थी, उतने बुक्स खोल के पढ़ने का उनके अंदर नहीं था शऊर, इग्नोरेंस था, व्हाट यू कॉल जहालत थी उनके अंदर। लेकिन अब शऊर आ गया, इतना गैजेट्स का ज़माना है जिसमें हर चीज़ का इतना हम यूज़ कर रहे हैं। तो कुरान के लिए हम क्यों गैजेट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, हदीस के लिए क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? ऑथेंटिक नरेशंस की बात कर रहे हो, नॉट अ सिंगल नरेशन रिगार्डिंग दैट। एंड सूरतुन निसा की आयत नंबर 59 में क्या है, अहले ईमान से एड्रेस किया जा रहा है, जो ईमान वाले हैं उनको क्या कहा जा रहा है? अल्लाह और रसूल की, पहले अल्लाह की इताअत फिर रसूल की, इत्तेबा करना है रसूल की। और अगर तुम ईमान लाते हो और आखिरत में यकीन करते हो तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, दिस इज़ पार्ट ऑफ द ईमान। हाउ कैन वी से के नहीं हम इसमें ऐसा सिंगल आउट कर लेंगे? तो रियल सुनना क्या है, जैसे ही शाबान का महीना आए, दिस इज़ लाइक अलर्ट मोड पे आ गया पपन कि रमज़ान आने वाला है, ओनली फ्यू डेज लेफ्ट, इज़न्ट इट? जो आपके छुटे हुए रोज़े हैं यू कैन डू दैट, मंडे थर्सडे करके कर सकते हैं, अय्यामे बीत करके कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का अच्छे से प्लान करिए और आने वाले रमज़ान के लिए किस कदर अच्छी तरह प्लान, बिकॉज अगर हमको रमज़ान मिल जाए तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप वो रिमेंबर करिए हदीद, जो एक पर्सन इवन दो ही वॉज़ अ शहीद एंड द पर्सन हु पैस्ड अवे आफ्टर वन मोर ईयर, तो बोले कि जो एक साल के बाद फौत हुआ वो ही विल गो इन टू द जन्ना बिफोर द शहीद। सो शहीद का तो मर्तबा इतना ज़्यादा है, फिर भी क्यों? तो जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, क्या ये एक साल के रोज़े ज़्यादा नहीं रहे, एक साल क्या ज़्यादा इबादत नहीं किया? तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमको सेहतमंद अच्छा रखे, और उसके लिए अभी से तैयारी करना है ताकि वी वुड डू मोर रोज़ा इन द रमदान। मोर यानी कि पूरे जितने रोज़े हैं, फिर जब छूट जाए तो फिर वो आपको कोशिश करना है कि जल्द से जल्द वो रोज़ों को मेकअप करने का है। तो अब जो शाबान के 15 तक जो भी आपके मिस है वो कर ले। आफ्टर द 15th, यू नो इफ़ यू वुड सी, यू नो आई वॉज लुकिंग फॉर द डिफरेंट इस्लाम Q&A एंड डिफरेंट Q&A, तो इन दैट यू नो इफ़ यू वुड आस्क एनीवन, जो स्कॉलर्स है या जो दे हैव द नॉलेजेबल पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो क्या 15th के बाद यू वुड फास्ट? बेटर नॉट टू फास्ट, क्योंकि आप चाहते कि आपकी एनर्जी सेफ हो। आप वो एनर्जी क्यों रखें? ताकि वो रमज़ान के फर्जियत है, रमज़ान के जो रोज़े हैं वो फर्जियत है, आपको रहना ही रहना है, वो मैंडेटरी है, उसके लिए आपको अपनी एनर्जी सेफ करके रखना है। तो अब करने के काम क्या है शाबान में? रमज़ान की तैयारी करना है और अभी से कोशिश करना है कि हाउ यू गोना प्लान आउट, बिकॉज फिर रमज़ान में आप सोच रहे हैं कि मैं ये करूं, तो वो नहीं। दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ राइट नाउ यू कुड प्लान दैट थिंग, यू नो। तो उसमें चाहे आप कुरान कितना पढ़ना है, आपकी घर की सफाई है, दिस इज़ द राइट टाइम। व्हेन यू आर डूइंग द घर की सफाई, डोंट फॉरगेट टू डू द सफाई ऑफ द हार्ट, क्योंकि दिल की सफाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। घर गंदा हुआ तो भी कोई बात नहीं है, अनटिल अनलेस कोई फिल्दी चीज़ है जिससे कि आपके घर में स्मेल हो रही, जैसे कि डायपर्स है या कोई ऐसी गंदी चीज़ है, तो आप क्या चाहते हैं? वो निकाल के फेंक दे। तो क्या हम नहीं चाहते कि हमारे दिल में कोई ऐसी चीज़ है जिसके वजह से आप अपने आप को हार्म कर रहे हैं? वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ, इज़न्ट इट? तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। शाबान में हमारे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही कि वी आर सोइंग द सीड इन द टाइम ऑफ द रजब। अब शाबान में क्या है, इट्स टाइम वी आर वाटरिंग इट, दैट विल फ्लरिश इन द रमदान, इज़न्ट इट? तो वॉट वी गोना डू, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, कोई भी पौधा अगर ऐसी जगह है, इनफर्टाइल लैंड है, उसमें पौधा उग सकता, ग्रो हो सकता, नहीं हो सकता? तो वैसे ही हमारा दिल क्या है,
हमारे सीने में दिल है और दिल में क्या रहता, ईमान रहता। तो ईमान कैसा फ्लरिश करेगा, कैसा आपका दिल पॉलिश कैसा होगा जब आप उसके अंदर से जो भी खराब चीज़ें हैं उसको आर्काइव भी नहीं करना है, उसको कम्प्लीटली डिलीट कर देना है, निकाल देना है हमेशा के लिए। जो भी चीज़ें हैं वॉट सो एवर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह फॉरगिव एंड वाफ़हू वस्फ़हू, तो उनको माफ़ कर देना है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड डू दैट यू नो फॉर द सहाबा इकराम, इवन दो दे डिड द मिस्टेक बट स्टिल ही वुड फॉरगिव देम बिकॉज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द सहाबा इकराम इज़ अ रोल मॉडल फॉर अस। वी वुड डू द गलती, हमसे भी गलती होंगी, कुछ ना कुछ होंगे, कोताहियाँ होंगे, बट स्टिल वी हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट दैट। वी हैव टू डू द तैयारी फॉर द रमदान, वी शुड प्लान इट, डोंट स्पेंड सो मच टाइम थिंकिंग के क्या करना है, जस्ट गो फॉर इट। इबादतों के लिए उतना सोचना नहीं है, इबादत के लिए अपना अटमोस्ट देना है, 100% देना है या उससे भी ज़्यादा देना है। तो आप 15 को ही जागने की ज़रूरत क्या है, आप रोज़ आपकी कोशिश होनी चाहिए कि तहज्जुद में उठ के। इफ़ यू कॉन्ट डू इट रोज़, ठीक है आप रोज़ नहीं उठ सक रहे, एटलीस्ट वंस अ वीक और ट्वाइस अ मंथ और वंस अ मंथ अगर आदत डालिए ना, बिलीव मी, विदाउट एनी अलार्म, विदाउट एनी रिमाइंडर यू वुड वेक अप रियली एंड यू टेल योर सेल्फ कि अल्लाह ताला मुझे तहज्जुद में उठाइए। यू वुड गेट अप नो मैटर, इवन आपको पढ़ना भी नहीं रहेगा, आप पीरियड में भी रहे फिर भी आप उठ जाएंगे। ऐसा अल्लाह सुभान अल्लाह ताला इतनी मर्सीफुल है कि इवन इबादतों में आप नोटिस करे होंगे छोटे बच्चे भी वही टाइम पे बच्चे ज़िद करते। तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी अवेल दैट वाई यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द 15th, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह सब में एक अच्छा करने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रहती, डू गुड। फॉरगिवनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वेदर इट इज़ फ्रॉम द पीपल, वेदर इज़ फ्रॉम अल्लाह सुभान अल्लाह ताला। एंड अल्लाह इज़ सो मर्सीफुल, अल्लाह मर्सी इज़ सो वास्ट कि अल्लाह इज़ अगेन एंड अगेन गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द रमदान। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करना कि अल्लाह हमको सेहतमंद रखे ताकि ये रमज़ान भी हमारा अच्छा गुजरे, ताकि जो वो हदीस में हम लर्न करें कि व्हेन वी आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वन मोर रमज़ान तो मोर नेकी कमाने का हमको मौका मिलता। लेकिन क्या होता, जब आप रोज़े रखते और सारे अच्छे चीज़ें करने चाहते ना, तब भी कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसी नेगेटिव चीज़ आ सकती। क्यों? क्योंकि आपका अपना जो सेल्फ है ना, तो वो आप अपने आप को कंट्रोल करना। शैतान तो कंट्रोल है, शैतान तो चेन रहेगा, बट यू हैव टू कंट्रोल योर नफ्स, व्हाट अबाउट दैट। सो दिस आर द थिंग्स यू नो। एंड अपकमिंग जो हम कह रहे थे कि लेक्चर है, तो डोंट फॉर